स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.12H2O. Now, why I'm writing this dot half H2O and same way I have written in sodium hydrogen that sodium carbonate washing soda में मैंने dot 10H2O पढ़ लिखा था. क्यों लिखा है वो हम पढ़ेंगे अभी इसके next topic में. ठीक है, before that just pay attention over here. Plaster of Paris is CaSO4.12H2O और you can say two times CaSO4.H2O. Two times CaSO4.H2O. This is the formula of plaster of Paris. This common name is plaster of Paris. Common name क्या है उसका? Plaster of Paris. और chemical name है calcium sulfate hemihydrate. Hemi means half. Hydrate means water molecule. जैसे मैंने Na2CO3.10H2O लिखा था तो वहां पे नाम क्या लिखा था? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका means 10, हाइड्रेट means water molecule. ठीक है, समझ में आया? So how this plaster of Paris is prepared? Preparation क्या है plaster of Paris का? और उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोला जाता है वो भी हम चेक करेंगे. प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ इजिप्शियंस थे जिन्होंने एक हार्ड मास जैसा मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए स्टार्ट किया था. तो उन्होंने देखा कि हार्ड मास है, उस हार्ड मास को हम जिप्सम बोलते हैं. वो जिप्सम इनिशियली आपको कहाँ मिला था? पेरिस में मिला था. कहाँ मिला था उनको? वो इजिप्शियंस को ये सब पेरिस में मिला था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है क्योंकि जो इजिप्शियंस थे उन्होंने उसको इन्वेंट किया एंड वो कहाँ मिला उनको? पेरिस में. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ दिस? यू टेक जिप्सम दैट इज CaSO4.2H2O. इसको क्या बोलते हैं हम? जिप्सम. ठीक है, जिप्सम को जब आप हीट करोगे, जिप्सम को जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज योर पीओपी. पीओपी भी बोल सकती हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस. यस, दिमाग में आया पीओपी? सुन के दिमाग में कुछ आया कि घर पे पीओपी करते हैं? यस, इसी की मदद से करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? इट इज यूज्ड इन मेकिंग द सीलिंग्स, इट इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द सीलिंग्स. सेकेंड, इट इज यूज फॉर द फ्रैक्चर्ड बोन्स को रिपेयर करने के लिए भी यूज होता है. तो ये यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस का. एक और चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी भी आप मॉइस्चर में नहीं रख सकते खुला, क्योंकि अगर आप मॉइस्चर में उसको खुला रखोगे इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस 1.5H2O के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? जिप्सम. ठीक है, एंड जिप्सम इज वॉट? जिप्सम इज अ हार्ड सब्सटेंस, अ हार्ड मास. तो उस हार्ड सब्सटेंस को फिर हम आगे यूज नहीं कर सकते. अगर आप देखोगे आपको जो अगर किसी को फ्रैक्चर कभी हुआ होगा तो इनिशियली जब वो पीओपी कर रहे हैं तो वो एकदम सॉफ्ट है, बट वो धीरे धीरे एटमोस्फेयर में कंबाइन करता है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह और हार्ड हो जाता है आफ्टर सम टाइम्स. तो दैट इज नथिंग बट योर जिप्सम. समझ में आया व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैसे यूज होता है, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे उसकी प्रिपेरेशन है? ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन द यू कैन सी आई कैन राइट द यूजेस फॉर यू. Uses of plaster of Paris. Uses used in sealing air gaps. Air gaps को seal करने के लिए used होता है. Making blackboard chalks. Making cast for statues, toys and decorative objects. Okay, and
प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स. ओके, दिस आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. पीओपी. समझ में आया इतना? ओके, नाउ द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज योर वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. लास्ट टॉपिक इज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप देखोगे जैसे कॉपर सल्फेट को आप जनरली देखोगे कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला ऐसा लिखे जाएगा CuSO4.5H2. अभी मैं Na2CO3 बोला, जैसे सोडियम हाइड्रोजन का सोडियम कार्बोनेट .10H2. प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लो CaSO4.5H2. जिप्सम ले लो CaSO4.2H2. ठीक है, ये सब सॉल्ट है. तो आर द सॉल्ट ड्राई, मतलब पानी है तो मतलब क्या ये सॉल्ट गीले होंगे? नो, दे आर नॉट वेट. दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट, ये क्या करता है, जो सॉल्ट होते हैं अनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं, उसमें जब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं तो उसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं. सो क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एसोसिएटेड वॉटर. द वॉटर एसोसिएटेड विद दिस क्रिस्टल्स ऑफ एनी सॉल्ट इज नोन एज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. उसको क्या बोलते हैं हम? वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यू कैन से क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट्स कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एसोसिएटेड वॉटर. ठीक है, द वॉटर associated with the crystal of any salt is known as water of crystallization. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और ये सॉल्ट्स का सम स्पेसिफिक कलर होता है. जैसे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट का कलर है वो ब्लू होता है, ये तो व्हाइट ही होता है, ये तीनों व्हाइट होते हैं. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग यू विल गेट टू नो, दैट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलते हैं. नेक्स्ट आप स्टडी करोगे हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलते हैं. सो द सॉल्ट कंटेनिंग वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट. अब ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपको एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. दैट इज योर एक्टिविटी पेज नंबर 32, 2.5 एक्टिविटी हीट ऑफ यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ दिस यूजिंग एन एक्टिविटी एक्टिविटी 2.15. They have taken some sort of water crystals of copper sulfate, 5H2 crystals of water sulfate लिया, उसको heat किया. अब यहाँ color क्या है उसका? Blue है, as I've written over here. Heat करोगे तो आप क्या observe करोगे? कि वो अपने water molecules को loose कर देता है और color of the salt क्या हो जाता है? White. ठीक है, वो अपने water molecules को क्या कर देगा? Loose कर देगा and क्या हो जाएगा? White हो जाएगा. ठीक है, तो मैं लिसन द एक्टिविटी केयरफुली. हीट ऑफ यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? इट चेंजेस टू व्हाइट. सो डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? यस, वाटर ड्रॉपलेट्स होगा उस बॉइलिंग ट्यूब में, क्योंकि उसने वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है. सो वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? उसके हाइड्रेटेड सॉल्ट से. एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग. इसमें वापस थोड़ा सा ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालो, ड्रॉप्स ऑफ वॉटर को एड करो. वॉट डू यू ऑब्जर्व? इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? आपको क्या लगता है कि वो वापस ब्लू कलर आ जाएगा पानी डालने के बाद? थिंक, आएगा? यस, इट विल कम अगेन. इट विल सी फॉर्म CuSO4. सम सॉर्ट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स अगेन एंड रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीक्रिस्टलाइजेशन.
इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन, व्हेन इट्स गेट बैक इट्स हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल. समझ में आया? और यू कैन से यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? अगेन वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगेन इट इज टेकिंग प्लेस. तो समझ में आया आपको ये पूरा टॉपिक चैप्टर? इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो प्रैक्टिस द इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन थरली, एंड इफ यू हैव सम डाउट्स यू कैन आस्क इन द ग्रुप. ठीक है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी. ठीक है, थैंक यू.